वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। हरिद्वार में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है, जहां एक साल से क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया की इस खबर को अहमियत के साथ दिखाया था, और जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई है, और वही मामले में ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिला था, और जिसके बाद सुमन नगर नहर पटरी रो नदी पर बने रपटा पुल का मरम्मत कार्य आज से शुरू हो चुका है। तो आपको फिर से बता दें कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है, और इस पुल की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही थी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि हरिद्वार जिले की विधानसभा ज्वालापुर के अंतर्गत रो नदी पर बना रपटा पुल पिछली बार भारी बरसात के चलते तकरीबन एक साल पहले क्षतिग्रस्त होकर जर्जर हो चुका था, जिसके बाद अब फिर से न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर ने इसको प्रमुखता से दिखाया था, कई बार दिखाया था, जिसके बाद अब खबर का असर होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर हुआ है, और आपको ये भी जानकारी दे दे कि प्रशासन उसके बाद हरकत में आया है। तो ग्रामीण लगातार परेशान थे। आपको बता दें कि हरिद्वार से खबर थी, हमने प्रमुखता से दिखाया था, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन के कान पर जू रेंगी और वो हरकत में आई है। और इसके बाद ही आपको बता दें कि एक साल से क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का काम शुरू किया गया, और इसके साथ ही जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि इस पुल को लेकर लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया अहमियत के साथ इस खबर को दिखा रहा था, जिसके बाद इसका असर अब देखने को मिल रहा है। वहीं अब ग्रामीणों में खुशी की लहर है, और इसके साथ ही ग्रामीण लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर को देखने के बाद ही वो लगातार धन्यवाद कर रहे हैं, और लगातार ये प्रमुखता से खबर दिखाई जा रही थी, और जिसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, जिस तरह से हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, प्रशासन भी हरकत में आ गया है, लोगों में किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, जहां पिछली बरसात को के चलते और एक वर्ष पूर्व इस जो रपटा पुल है ये बह गया था और जर्जर अवस्था में फिलहाल ये था, और लोगों को खासी परेशानी का जो सामना है वो यहाँ पर लगातार करना पड़ रहा था, और हमारे चैनल के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से यहाँ पर दिखाया गया, जिसके बाद शासन प्रशासन हरकत में आया और इसका स्थलीय निरीक्षण किया, और लगातार जो अध्यक्ष थे उनको दिशा निर्देश दिए गए, जिसके चलते आज इस रपटा पुल का जो मरम्मत का जो कार्य है वो आज शुरू किया गया, और स्थानीय विधायक ने इस मरम्मत कार्य का यहाँ शुभारंभ किया है। जी इंतजार, बिल्कुल, अब जैसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था और लोगों तक इसकी जानकारी भी पहुंच रही थी, वो लोग भी हमारे से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे इंतजार, और लगातार मांग कर रहे थे कि इसको प्रमुखता से दिखाया जाए, तो लोगों में अब किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि उनकी मांगे पूरी होती ही नजर आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ लोग हैं, जो भी इस रपटा पुल से जो भी लोग गुजरते थे, यहाँ पर लगभग 50 गांव की आबादी को ये रपटा पुल जोड़ता है, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमाम जो राज्य हैं वो सभी के जो छोटे व्हीकल हैं वो इसी रपटा पुल से होकर गुजरते थे, जिसके चलते काफी जो परेशानियां हैं कठिनाइयों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा था, जिसके चलते आज जब ये रपटा पुल का जो मरम्मत का जो कार्य है जब वो शुरू हुआ है, तो तमाम जो लोग हैं वो हमारे चैनल की यहाँ पर सराहना कर रहे हैं और लगातार धन्यवाद भी कर रहे हैं कि आपके चैनल के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से यहाँ पर दिखाया गया, हमारी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है, और लोग जो है यहाँ इस रपटा पुल की मरम्मत शुरू हो जाने के बाद जहाँ एक और प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं, तो वहीं हमारे चैनल का भी धन्यवाद करने से नहीं चूक रहे हैं। जी बिल्कुल इंतजार, जिस तरह से हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, उसके बाद इसका असर होता हुआ भी साफ तौर पर नजर आया है, और वही लोग हैं जो उनमें भी खुशी की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंतजार हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था, जिसके बाद उसका परिणाम अब साफ तौर पर नजर आ रहा है, प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहसील मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और चिकित्सा उपकरणों की मांग के लिए अब गैरसैंण क्षेत्र के कई गांवों की महिलाएं, पुरुषों और व्यापारियों ने बुधवार से नगर के रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना दिया। बता दें आपको कि धरने के तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दरअसल गैरसैंण में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उपजिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों का लंबे समय से अकाल पड़ा हुआ है और बार बार लोगों की सरकार से डॉक्टरों नियुक्ति और उपकरणों की मांग की जाती है। और इससे पहले मंगलवार को गैरसैंण क्षेत्र की जनता ने रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर गैरसैंण की सड़कों पर नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय तक प्रदर्शन किया था और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया था। रामलीला मैदान में जो कर्मी कंसन शुरू हुआ है उसका कारण है गैरसैंण हॉस्पिटल की अव्यवस्थाएं। इसके चलते जो है व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिस्सी के नेतृत्व में हमने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन जो है उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो है प्रेषित किया है और हमारा जो है कल से धरना प्रदर्शन एवं कर्मी कंसन शुरू हो गया है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं हमारी जो है जो हॉस्पिटल की समस्याओं से परेशान है, डॉक्टर ना होना, डिलीवरी में दिक्कतें होना, कई प्रकार की समस्याएं महिलाओं को रहती है। आज यहां पर हम महिलाओं को 3 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन देते हुए। हमारी जो मांगे हैं वो हॉस्पिटल को लेकर हैं, यहां पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है और हमें मतलब यहाँ की जो पहाड़ की महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो यह है कि हमें यहाँ से दूर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में कोई भी काम हो, चाहे छोटी सी फ्रैक्चर हो, कोई भी चीज़ हो, तो लोग हमारे यहाँ लोगों को रानीखेत या फिर रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, इन जगह जाना पड़ता है। हमें यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं, शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति या विशेष अधिकारी हमारे तक अभी तक नहीं आए हैं हमें पूछने के लिए कि आप लोगों की मांग क्या है। और जैसा कि हम लोग हॉस्पिटल की समस्याओं को लेकर बैठे, आगे भी हमारा प्रदर्शन रहेगा। हरिद्वार के रोशनाबाद में मौजूद कलेक्ट्रेट भवन पर प्रगतिशील भोजन माता संगठन से जुड़ी भोजन माताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रोसित किया है। आपको बताते चले कि जनपद भर की सैकड़ों भोजन माताओं ने आज अपने मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर एक पैदल मार्च निकालकर कलेक्टर भवन में जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भोजन माताओं के द्वारा मांग की गई है कि भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए और साथ ही भोजन माताओं को स्थायी किया जाना चाहिए। और इसके अलावा भोजन माताओं का साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा सचिव के द्वारा भोजन माताओं का मानवदेय और 50,000 किए जाने का प्रस्ताव 2022 केंद्र सरकार को भेजा गया था, उस पर भी अभी तक किसी भी तरह के कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने ये भी मांग की है कि शिक्षा सचिव के प्रस्ताव को लागू किया जाना चाहिए और भोजन माताओं के द्वारा ये भी मांग की गई है कि भोजन बनाने के अलावा स्कूलों में भोजन माताओं से अन्य कार्य भी करवाए जाते हैं जो अन्य कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। उक्त विषय में भोजन माताओं के द्वारा मांग की गई है कि भोजन बनाने के अलावा अन्य कार्य उनसे ना करवाए जाए, क्योंकि भोजन माताओं ने आरोप लगाया है कि भोजन माताओं से स्कूलों में भोजन बनाने के अलावा स्कूल की साफ सफाई, शौचालय की साफ सफाई और कार्यालय में अन्य कार्य भी करवाए जाते हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद में मौजूद वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में बालिका अंडर 20 हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल, श्री निशंक और विधायक आदेश चौहान ने किया है। बता दें आपको कि जिला प्रशासन हरिद्वार के मार्गदर्शन में जिला खेल कार्यालय हरिद्वार द्वारा उत्तराखंड राज्य आमंत्रण बालिका हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 5 जनवरी से 7 जनवरी तक किया जाएगा। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, साथ ही रानीपुर विधायक आदेश चौहान, CDO प्रतीक जैन ने भी खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ के कार्यक्रम में शिरकत की है। और वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में होने वाली प्रतियोगिताओं में
जनवरी 5 जनवरी से 7 जनवरी तक चलने वाली है, जो कि बालिका अंडर 20 के बीच खेली जाएगी। उक्त प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो आयोजन जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला खेल कार्यालय हरिद्वार के द्वारा ही किया गया है और इस अवसर पर हरिद्वार सांसद का फूल माला और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया है। पिथौरागढ़ से लेकर के चंपावत से लेकर के और पौड़ी अल्मोड़ा उधम सिंह नगर हरिद्वार देहरादून हल्द्वानी तो 9 टीमें खेल रहे हैं। बहुत उत्साह है बालिकाओं में। हम शुभकामना दे रहे हैं कि आज जो शुरू होने वाला मैच है ये 3 दिवसीय है, 7 तारीख को इसका समापन होना है और निश्चित रूप में इस बंदना कटारिया स्टेडियम से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ओलंपिक में ये बालिकाएं जाएं, हम आज शुभकामना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत सौभाग्य का विषय है कि जो वंदना कटारिया जो भारत का गौरव है और हमारे क्षेत्र की एक ऐसी प्रतिभा है जिसने हमारे क्षेत्र का इस विधानसभा का भी इस गांव का भी और इस स्टेट का नाम रोशन किया है, तो उसके नाम से जो हमने यहाँ स्टेडियम हॉकी स्टेडियम बनाया था उसमें आज पहला उद्घाटन मैच जो हमारी राज्य स्तरीय अंडर 20 महिला बालिका हॉकी प्रतियोगिता है उसका शुभारंभ आज माननीय सांसद जी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर नरसिंह जी के द्वारा किया गया है और हम लोग यहाँ आए हैं और आज पहली बार इस ग्राउंड के अंदर कोई मैच खेलने का शुभारंभ हो रहा है और जिस स्तर का हमने ये स्टेडियम बनाया लगभग 18 करोड़ की लागत से, 1 साल पहले इसका इनॉग्रेशन तत्कालीन खेल मंत्री अरविंद पांडे जी के द्वारा किया गया था, तो मेरा सौभाग्य कि मेरे क्षेत्र में है और हम लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। अभी एक बहुत देशी और 20 करोड़ की लागत से हम लोग यहाँ बना रहे हैं। विभिन्न जनपदों की शामिल है, लगभग 150 खिलाड़ी हैं और ये 5 जनवरी से शुरू होगा, 7 जनवरी को उसका समापन है। आज के माननीय सांसद महोदय, आज के जिलाध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार और हमारे सहायक निदेशक और मुख्य विकास अधिकारी और विभिन्न जिला स्तरीय और अन्य वरिष्ठ आपके जनप्रतिनिधि शामिल हैं। तो टोटल 17 मैच है, आज 7 या 8 मैच का हमारा शेड्यूल था, अगर कुछ डिले होता है हम फाइनल में उस लास्ट दिन में, मतलब इसे टोटल 17 मैच है। ये जिला स्तरीय हमने एस्ट्रो टर्फ के लिए मेनली रखा है, ये आज ये एस्ट्रो टर्फ पर पहली जिला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है। गर्म नगरी में शीतलहर के चलते सर्दी का सितम आज भी जारी रहा। आपको बता दें कि हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शीतलहर और सर्दी का सितम जारी रहा और आज हल्की धूप भी देखने को नहीं मिली है और जिस कारण ही सर्द हवाओं के ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। लोग दिन में ही आग सेकते नजर आ रहे हैं। अधिकतम तापमान 11.5 और न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। वही मंगलवार को न्यूनतम तापमान 3.0 था और सुबह कोहरे की धुंध छाई रही है जिस कारण दृश्यता भी कमजोर रही है। तमाम वाहन चालक लाइट जलाकर निकले। सर्द हवाओं के चलते पूरे दिन ठिठुरन बनी रही और घरों, प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक जगहों पर लोग अलाव तापते ठंडे में नहा, बता दें आपको कि ठंड से ही चलते परेशान नजर आए हैं, अलाव तापते हुए दिखाई दिए हैं। आज भी कोहरे के चलते स्थानीय लोगों का ड्राइविंग करते समय परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ा है। आपका राहुल यादव, ये मौसम तो कई दिन से खराब चल ही रहा है, दिन में धूप भी निकलती है 2-4 बजे के आसपास फिर मौसम दोबारा से ठंडा हो जाता है। आज तो मौसम बिल्कुल ही ठंडा है, टेम्परेचर मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन है और आप देख ही रहे होंगे कि आग जला के अपना गुजारा कर रहे हैं और काम भी नहीं हो पा रहा है ऐसी ठंड में, तो थोड़ा सा जो है मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, रोजी का भी इस पर बहुत फर्क पड़ रहा है। तो बस यही है, अभी देखते हैं कितने दिन और रहेगी ये ठंड, उसके बाद फिर देखते हैं कि खुलेगा ही मौसम, 1-2 अगर बरसात होती है तो शायद बरसात के बाद मौसम खुले और मौसम खुलने के बाद थोड़ा शुष्क बन आए। प्रशासन ने किस तरीके का नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा।
हल्द्वानी में भनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हजारों लोगों को राहत दी है। गुरुवार को ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 78 एकड़ अतिक्रमण मामले में भनभूलपुरा के लोगों को राहत दी है। कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इस मामले में स्टे लग गया है। और बता दें आपको कि 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और इस पर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। और इस बीच 2 जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस बीच तमाम राजनीतिक दल भी भनभूलपुरा के लोगों से मिल रहे हैं और हर संभव मदद का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने उनके पक्ष को हाई कोर्ट में मजबूती के साथ नहीं रखा और इस वजह से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुरादाबाद के ही सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को क्षेत्र के लोगों ने नकारा, जिसका बदला सत्ताधारी पार्टी उनका घर छीन कर लेने का प्रयास कर रही है। बेशक राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, हमारा न्यायपालिका है, हमें उम्मीद है पूरी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हमें उम्मीद है, अपने न्यायपालिका से उम्मीद है और अपनी मौजूदा गवर्नमेंट से भी उम्मीद है। हम ना उम्मीद नहीं होते, हम वो उम्मत वाले हैं जिसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद पे कायम है और फैसला हमारे हक में होगा इंशाल्लाह। अच्छा लोग क्या, उस परिस्थिति में कुछ नहीं, हमें उम्मीद है फैसला हमारे ही हक में होगा, मुझे पता है, मैं जानती हूँ इस बात को। आखिरकार रेलवे अतिक्रमण मामले पर भनभूलपुरा के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। आपको बता दें इस मामले की अगली तारीख 7 फरवरी निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद यहां के लोगों में खुशी का माहौल है और यहां की जनता ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हुए खुशी जाहिर कर दी है। लोगों का साफ तौर पर कहना है उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत जरूर देगी। कि सुप्रीम कोर्ट से जो हमें राहत मिली है इसके सब मुसलमान शुक्रिया और हिंदू मुसलमान सभी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिसमें जो राजकीय 2-3 इंटर कॉलेज हैं और 2 मंदिर हैं और आंगनबाड़ी भी बहुत हैं और स्कूल भी बहुत हैं, जो है जबकि ये बस्ती 90 साल 100 साल से ज़्यादा की है और इसे ज़बरदस्ती मतलब ये है नगर पालिका निगम ने 5 जो मतलब वो हैं मेंबरान की जो वो होती है क्या नाम कमेटी होती है उन 5 एक्ट को नगर पालिका ने खारिज कर दिया। आप कितने खुश हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसे लगा दिया? हम तो इस टाइम बहुत ही खुश हैं, सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पूरी उम्मीद थी, हमने पहले ही कहा था कि न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है, जिस तरीके से उच्च न्यायालय पे भी पूरा सम्मान किया हम लोगों ने और अपने शांतिपूर्वक तरीके से संवैधानिक तौर पे हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए। हमें उम्मीद थी न्यायालय के ऊपर, लेकिन न्यायालय ने यहाँ उच्च न्यायालय को गुमराह किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पूरा भरोसा था यहाँ की जनता को न्याय मिलेगा, वो न्याय मिला है और जो भी आगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे जो भी फैसला होगा उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, कानूनी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ेंगे। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? अभी 7 फरवरी तारीख रखी गई है, जिसमें अभी उन्होंने एक उसमें पुनर्वास की भी बात की है, तो उस मसले में हम लोग यही कहना चाहते हैं मध्यस्थता होनी चाहिए सरकार के बीच में और रेलवे के बीच में और यहाँ की जनता के बीच में कि कितनी जगह ऐसी है रेलवे की जो पुनर्वास की बात करते हैं तो जगह पहले एक ज्वाइंट निरीक्षण होना चाहिए कि कितनी लैंड राजस्व की है और कितनी लैंड रेलवे की है। पहले जब वो तय होगा उसके बाद बात करेंगे कि किसको पुनर्वास करना है किसको यहाँ पर रहना है, वो तो ये बैठ के मध्यस्थता का मैटर है, वो आपस में बैठ के बात करेंगे। इसी राहत के लिए लोग बाग यहाँ 7-8 दिन से लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ रेलवे के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था, खाली एक नक्शे के बलबूते पे रेलवे लड़ रही है और रेलवे की जगह जितनी भी हो मतलब थोड़ी जगह है ये पब्लिक बसी हुई है। 90 साल के मैंने पट्टे दिखाए, कल यहाँ मीडिया वालों को 90 साल के मीडिया के मेरे पास कार्ड भी रखे हुए हैं, 90 साल की हिस्ट्री तो मैंने दिखाई, जो फ्री होल्ड जगह होती है उसके 30-30 साल के बाद फ्री होल्ड हुई है। कोर्ट के बहुत खुश है हम इस चीज़ से। हम तो ये कहते हैं रेलवे से आपके पास खाली एक नक्शे का सबूत है, आप फिट के हिसाब से जो भी जगह आपकी बनती है और उस जगह में कोई पब्लिक की झुग्गी झोपड़ी आती है। जोशीमठ में भू धसाव की समस्या को लेकर चमोली जिला प्रशासन प्रभावित परिवारों को हर संभव जो जरूरत है वो
करवाने की कोशिश कर रही है। बता दें आपको कि इसको लेकर हर संभव मदद पहुंचाने की लगातार कोशिश हो रही है। बृहस्पतिवार को ही गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, आपदा प्रबंधक सचिव रंजीत कुमार सिन्हा और आपदा प्रबंधक के अधिशासी अधिकारी पीयूष रोतेला, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट रोहितास मिश्रा, भूस्खलन न्यूनतीकरण केंद्र के वैज्ञानिक सातु सरकार, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर डॉक्टर बी के माहेश्वरी सहित तकनीकी विशेषज्ञों की पूरी टीम जोशीमठ पहुंच गई है और गढ़वाल कमिश्नर और आपदा प्रबंधन सचिव ने तहसील जोशीमठ में अधिकारियों की बैठक लेते हुए स्थिति की समीक्षा की है। विशेषज्ञों की टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। देवभूमि को 2025 तक नशा मुक्त अभियान को साकार करने के लिए पुलिस प्रशासन नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। जनपद हरिद्वार में नए पुलिस कप्तान के आने के बाद हरिद्वार जिले में नशे का कारोबार करने वाले की शामत आ गई है और कच्ची शराब से लेकर स्मैक का कारोबार करने वाले आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। तो इसके साथ ही युवाओं में नशे का जहर घोलने वाली प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री पर भी पुलिस का अभियान शुरू हो चुका है। एसएसपी के निर्देश के बाद मंगलोर सीओ पंकज कुमार गैरोला ने क्षेत्र के सभी मेडिकल स्टोरों की जांच शुरू कर दी है। बिना लाइसेंस मेडिकल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ ही देहात और कस्बे में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही क्लिनिकों पर भी पुलिस की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों और झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के इस अभियान के बाद मेडिकल स्टोरों के शटर पर ताले लगते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सीओ पंकज गैरोला ने बताया है कि अधिकतर मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित नशे की दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं, जिनके खिलाफ पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है और यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। जनपद स्तर पर और इस पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर जितने भी हमारे मेडिकल स्टोर थाना झगड़ा भगवानपुर मंगलौर जिनके बारे में आम शिकायत ये थी कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाएं ले रहे हैं जिसे लोग नशे में उपयोग कर रहे हैं, उन पे छापेमारी की कार्रवाई पुलिस द्वारा जाकर की गई और चेक किया गया। उसमें से कुछ दुकानों में जो है वो सही जो दुकानों में पाए गए उन दुकानों को की अलग सूची बनाई गई है और कुछ दुकानों के पुलिस छापे के दौरान कुछ दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके चले गए, कुछ में अनियमितता पाई गई है। इस संबंध में विस्तृत आख्या थाना स्तर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजी जा रही है जिसमें उनके स्तर से फिर अग्रिम कार्रवाई संबंधित विभाग के माध्यम से कराई। हमारे साथ मंगलौर से हमारे सहयोगी अखिल अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिल, देवभूमि को नशा मुक्त बनाने का लगातार अभियान चलाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है, इसका कितना असर अभी देवभूमि में देखने को मिल रहा है? देखिए, हरिद्वार जनपद की कमान जब से एसएसपी अजय सिंह ने संभाली है तभी से जो नशे के काला कारोबार करने वाले उनके विरुद्ध जो कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। हरिद्वार की बात करें या फिर मंगलौर की बात करें, लगातार जो है जो अवैध काला कारोबार करते हैं नशे का उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मंगलौर पुलिस भी लगातार जो मेडिकल स्टोर है जहां नशे की जो दवाइयां कुछ देते थे वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई लगातार छापेमारी की जा रही है। मंगलौर पुलिस लगातार जो ऐसे मेडिकल स्टोर है जिन पर काला कारोबार किया जाता है उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और जो मंगलौर पुलिस है उनको देखकर जो कुछ मेडिकल स्टोर तो ताले लगाकर जा चुके हैं, कुछ ने अपने बोर्ड भी उठा लिए हैं और लगातार मंगलौर पुलिस जो मेडिकल स्टोर या फिर नशे का काला कारोबार करने वाले लोग उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। जी बिल्कुल अखिल, अगर आरोपियों की धरपकड़ की बात की जाए तो अभी तक कितने आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं? देखिए, अभी तक लगातार जो है जो अभी दो दिन पहले ही जो 5,000 का इनामी गैंगस्टर था मंगलौर पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया था, वो लगातार नशे कारोबार में संलिप्त था
इसके अलावा और भी जो नशे का कारोबार करते हैं या फिर कच्चे शराब या फिर इसमें का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ भी जो मंगलोर पुलिस है लगातार कार्रवाई कर रही है। और जैसा सूचना मिल रही थी कि मंगलोर में जो है कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो प्रतिबंधित दवाई बेचते हैं, उनके खिलाफ भी जो मंगलोर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और उनको अंकित कर रही है और उनको समझा रही है कि यदि उन्होंने इस तरह की दवाई बेची तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अखिल, हरिद्वार में नए पुलिस कप्तान के आने के बाद ये लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए हरिद्वार जिले की कमान एसएसपी अजय सिंह जतनवाल जी जो बदमाश है या फिर नशे का कारोबार करने वाले हैं उनके खिलाफ हरिद्वार जनपद में लगातार कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में चाहे वो भगवानपुर हो, झबरेड़ा हो या फिर मंगलोर हो या फिर हरिद्वार या रुड़की हो, लगातार जो पुलिस है जो वांछित अपराधी है इनामी अपराधी है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। और इन दिनों में 50-60 से ऊपर जो इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ बदमाश तो छुप गए हैं। ये जो अजय सिंह जो है एसएसपी उनका असर देखने को मिल रहा है। पुलिस लगातार जो वांछित अपराधी है या फिर नशे का काला कारोबार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। और मंगलोर पुलिस या भगवान पुलिस की बात करें तो लगातार दो दिन से जो है मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर रही है। जो अवैध इस तरह की दवाइयां या फिर प्रतिबंधित दवाइयां बेचते थे उनमें खलबली मची हुई है। जी बिल्कुल अखिल, मंगलोर सीओ की अगर बात कर ले तो पंकज कुमार लगातार क्षेत्र के सभी मेडिकल स्टोरों की जाँच कर रहे हैं, तो इसको लेकर अभी जाँच में क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए जो पुलिस टीम है वो लगातार मेडिकल स्टोर पर जा रही है जहां सूचना मिल रही है कि प्रतिबंधित दवाई मिलती थी। कुछ मेडिकल स्टोर तो खुले मिले लेकिन कुछ अधिकतर मेडिकल स्टोर अपने ताले लगाकर वहां से गायब हो गए। इस तरह की मेडिकल स्टोरों की एक लिस्ट बनाई जा रही है, वह पुलिस कप्तान को भेजी जाएगी और जो संबंधित विभाग है ड्रग्स विभाग है उनको इसकी सूचना दी जाएगी। उनके लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं कि वो सीएमओ बीते उनको लाइसेंस मिले हुए हैं नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। और लगातार मंगलोर पुलिस तरह की कार्रवाई कर रही है ताकि जो नशे का काला कारोबार करने वाले लोग हैं उन पे लगाम कसी जा सके। जी अखिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको मंगलौर से खबर बता रहे थे जहां पर कच्ची शराब से लेकर स्मैक का कारोबार करने वाले आरोपियों की लगातार धरपकड़ जारी है। तो उसके साथ ही युवाओं में नशे का जहर घोलने वाली प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री पर भी पुलिस का अभियान शुरू हो चुका है और लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है। अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।